बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं राज्यसभा सांसद रामजी गौतम के प्रथम बार भरतपुर आगमन पर भव्य स्वागत समारोह एवं कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन रौनक मैरिज गार्डन सेवर मथुरा बाईपास भरतपुर में हुआ। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में इंजीनियर रामजी गौतम राज्यसभा सांसद का मेवाती पगड़ी व राजस्थानी पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। आपके कार्यकर्ता सम्मेलन को जो संदेश दे रहे हैं वो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हमारा संदेश साफ है कि हम पंचायत चुनाव के अंदर बहुजन समाज पार्टी का जो मीडिया प्रचंड है गाँव गाँव तक फैलाएंगे और पूरी ताकत आने वाले 2023 में लगाएंगे और 2023 में बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री जयपुर बैठने का और ये संदेश हमारा और उसके रात दिन आप हमारी टीम को और इंक्लूडिंग में सभी लोगों को गांव गांव घाटी जाना है और गांव गांव में रहना है, वहीं से अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। ऐसे क्या कारण रहे जो आपकी पार्टी के राजस्थान के अंदर दो दो बार जो इतने विधायक जीते हैं और ये कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं, ऐसे क्या कारण? पहले भी कहा था कि कांग्रेस जो है डरी हुई है, कांग्रेस जान रही है कि अगर बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर उदय होता है, आगे बढ़ती है, तो कांग्रेस का हाल उत्तर प्रदेश की भांति होगी। और कांग्रेस ये भी जानती है कि कब BSP को अगर अभी नहीं रोकेंगे तो आगे रोक नहीं सकते हैं और जिस दिन BSP का मुख्यमंत्री बन जाएगा उसी दिन कांग्रेस के हाथों से यहाँ से चली जाएगी हमेशा। किसान बिल के बारे में और बोलें सर थोड़ा। किसान बिल पे माने बहन जी ने बोल दिया है, हम बहन जी के आदेशों का पालन करते हैं, जानकारी पालन करते हैं। माने बहन जी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं और सरकार से हमारी अपील है कि इस अरियर रवैया के बनाया हुआ है उसको वापस लें और किसानों का जो मांग है उसे पूरी करें। राजस्थान की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? कांग्रेस जो हमारी राजस्थान जनता है बहुत बोलने वाली है, बहुत अच्छी है और हम चाहते हैं कि हर बार जो आप लोग एक बार कांग्रेस एक बार BJP के धोखे में रहते हैं उस ट्रेंड को आप बदलिए, नया टेस्ट लीजिए और इस बार बहुजन समाज पार्टी आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए खड़ी है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। कार्यकर्ता सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि इंजीनियर सुरेश आर्य, हरि सिंह तेनगुरिया प्रदेश प्रभारी बसपा राजस्थान एवं अमर सिंह बंशीवाल एडवोकेट प्रदेश प्रभारी बसपा राजस्थान रहे। अध्यक्षता भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष बसपा राजस्थान ने की। अतिथिगण के रूप में इंजीनियर हंसराज मीणा प्रदेश उपाध्यक्ष बसपा, खेमकरण तौली पूर्व जिला प्रमुख, इमरान खान प्रदेश महासचिव, मोहन सिंह गुर्जर प्रदेश महासचिव, करण सिंह भंडारी प्रदेश महासचिव, सोरन सिंह दीनबंधु प्रदेश सचिव बसपा, जोन इंचार्ज एवं प्रभारीगण मोती सिंह पार्षद, RD मीणा पूर्व कलेक्टर, चरण सिंह दुबेस, रामकिशोर भटपुरा, सुरजीत खान, गीसा पटेल, राजेंद्र सिंह सोना, गजन सिंह किशनपुरा, विशंबर राठी, प्रताप चौकीपुरा, सुरेश धर्मपुरा, मूलचंद्र उसरारा, कैलाश खान, बाबूलाल कठुमर, किशोर राम आदि मौजूद रहे। करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध, सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिबा फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, भारतीय संविधान के रचयिता परम पूज्य बोधिसत्व भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों पिछड़ों गरीबों मुस्लिमों को राजनीति की मुख्य धारा में लाने वाले बाम से DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्य श्री कांसी राम साहब एवं बहुजन समाज में जन्मे उन तमाम संतों गुरुओं और महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए आज की इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान के प्रदेश के प्रभारी सुरेश सारिया जी, हरीश दंगरिया जी प्रदेश प्रभारी, अमर सिंह बंसीवाल जी प्रदेश के प्रभारी, सीताराम मेघवाल जी जिनको मारिया बहन जी ने अभी अभी प्रदेश की जिम्मेवारी दी है साथियों, और प्रदेश के अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा जी,
प्रदेश के उपाध्यक्ष हंसराज मीणा जी, खेम करंतौली जी पूर्व जिला प्रमुख, आरडी मीणा जी एक्स कलेक्टर, मोहन सिंह गुजर जी प्रदेश महासचिव, करण सिंह भंडारी जी प्रदेश महासचिव, सोरन सिंह दिनबंधु जी प्रदेश सचिव, मोती सिंह पार्षद जी जोन प्रभारी, रामकिशोर भटपुरा जी जोन प्रभारी, सरजीत खान जी जोन प्रभारी, हिसाराम पटेल जी जोन प्रभारी, ईश्वर सिंह बहन जी जिला अध्यक्ष, अशोक वर्मा जी जिला अध्यक्ष अलवर, श्याम बैरवा जी जिला अध्यक्ष दौसा, किशन सिंह जानिया जिला अध्यक्ष धौलपुर, शिव सिंह जी जिला अध्यक्ष करौली, और दूर दराज से आए हुए बहुजन समाज पार्टी के जाबाज शेरों, माताओं, बहनों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इतनी भारी संख्या में आज आप खड़े हुए हैं। और वाकई आज जो आपका जोश है, जो भरतपुर का जो माने बहन जी कहती हैं कि हमें भरतपुर से बहुत लगाव है, बनता है सर, और आज जो आपका जोश हमें दिखाई पड़ा, अभी तो दो विधायक जीते थे और वो दोनों गद्दारी करके बहुजन समाज पार्टी के साथ में कांग्रेस में भाग गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आपका जोश हमें देखने को मिला है, आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी 7 के 7 विधायक भरतपुर जीत के जाएंगे। और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं सर, अब कांग्रेस और बीजेपी के लोग बहुजन समाज पार्टी को यहां रोक नहीं सकते सर। आपने बहुत रोकने का प्रयास किया, 2008 में रोक लिया आपने, 6 विधायक तोड़ लिए, और 2018 में हमारे आपने तोड़ लिए विधायक, और हमने तो आपको समर्थन दिया हुआ था, बाहर समर्थन दिया हुआ था, कोई डिमांड नहीं करी, बस ये बात थी कि इस प्रदेश के अंदर सामंतवादी ताकतें सरकार ना बना सके, इसलिए हमने आपको बाहर समर्थन दिया। और आपने क्या किया, आपने पीठ पर खंजर फोकने का काम आपने किया सर। ये कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक, एक नागनाथ है तो दूसरा हरी घास का सांप था, एक नागनाथ है, नाग सामने से आता है डसने के लिए आता है, तो आपको एहसास हो जाता है ये सांप आ रहा है, आप लाठी बल्लभ लेकर तैयार रहते हैं साथी, लेकिन ये कांग्रेस हरी घास का सांप है, आपके साथ बैठेगा, आपकी आपके साथ घास में बैठा होगा और चुपचाप आके डस की तरह जाएगा, आपको मालूम नहीं होगा साथियों। और इसका एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मान सिंह कांशीराम साहब ने जो बात कही थी वो 100% आज सही निकली है, दो बार इन कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी के बढ़ते कदमों को रोकने का काम किया था। और मैं चैलेंज के साथ में कहना चाहता हूं, पूरी की पूरी कांग्रेस, पूरे देश की कांग्रेस, अगर इस इतिहास में मैं लिख लेगा इस बार कि 2023 में पूरी की पूरी कांग्रेस अगर यहां राजस्थान में भी लग जाए तो बहुजन समाज पार्टी के कार्य को ये लोग रोक नहीं पाएंगे, और 2023 में जयपुर की विधानसभा के अंदर बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री होगा साथी। लेकिन आपको अपने जोश और जुनून को खत्म नहीं करना है, ठंडा नहीं करना है, आपको बदला लेना है, आपको बदला ऐसे लेना है, आज 6 विधायक जीते, 2008 में जीते, दोनों को दोनों बार भाग गए सर, तो ऐसे बघेलू विधायकों को आपको जमानत पे जब्त करानी पड़ेगी सर। भविष्य में वो जिन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों के साथ में धोखा दिया, गद्दारी की है, कभी भी विधानसभा तो छोड़ दीजिए, विधानसभा के गेट तक पहुंचने की हिम्मत ना कर पाए साथी, ऐसी आपके अंदर ऐसी एक तमन्ना बननी चाहिए। जो दावे के साथ में कहता हूं, अभी हमारे बीच में प्रभारी लोग बोल रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो है उत्तर प्रदेश के बाद अगर फर्टाइल है तो राजस्थान में सर, राजस्थान में हम फर्टाइल बनाएंगे, 6 विधायक भागे हैं, हम 60 लेकर आएंगे और अपने मुख्यमंत्री इस बार जयपुर में बनाएंगे साथियों। और यह ठान लिया है हमने कि इस बार बहुजन की सरकार बनेगी, बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2023 में बनेगी, और कोई कांग्रेसी और कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बार बहुजन समाज पार्टी के हाथी के कार्रवाई को रोक नहीं पाएंगे साथियों। और इसके लिए आप लोगों को गांव गांव चलना पड़ेगा, घर नहीं बैठना पड़ेगा, आप लोग तमाम समय से पार्टी में काम कर, गांव गांव में जाइए, बिना लालच के जाइए, एक गांव से दूसरे गांव में जाइए, अपनी पार्टी की विचारधारा की बात करिए, मान्या बहन जी के कामों की बात करिए, मान्या श्री कांशीराम साहब की विचारधारा की बात करिए,
बाबा साहब की बात करिए साथियों, और अपने हक और अधिकार की बात करिए साथियों, और संविधान की बात करिए साथियों, कि संविधान के अंदर जो आज हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, आज तक के भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोगों ने आखिर क्यों संविधान को लागू नहीं किया है। आज तक सिर्फ 30% संविधान लागू किया है और 70% संविधान को लागू क्यों नहीं किया सर। और रही बात साथियों आपकी, साथियों अभी हमारे प्रभारी जी बोले सुरेश आर्य, वो कह रहे थे कि जिस पद पर आपका बेटा आज उच्च सदन में गया हुआ है, उस पद पर ये तन्ना सेठों की पार्टी 500 करोड़ रुपए लेकर के राज्यसभा आती है। लेकिन धन है हमारे बहन जी, जिस गरीब के बच्चे को इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया है। और मैं आपको वादा करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आवाज, दलितों की आवाज और किसानों की आवाज, पिछड़ों की आवाज, माइनॉरिटी की आवाज उच्च सदन में आपकी कमजोर नहीं पड़ेगी, जोरदार और जोरदार तरीके उठाई जाएगी। लेकिन साथियों जो ताकत मानिया बहन जी में है, उस ताकत को हमको बना के रखना पड़ेगा साथियों। और ये कसम है हमें भी, जो हम जान रहे हैं कि जो हमारी टीम बैठी हुई है, ये जुझारू टीम बैठी हुई है साथियों, और ये काम करेगी। लेकिन मैं अभी भी इस काम से सेटिस्फाई नहीं हूँ कि जिस स्पीड में आप काम कर रहे हैं उस स्पीड पे हम 2023 का खिलाफत नहीं कर सकते। इसलिए हमें काम करने के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अब हमें 24 घंटे काम करना पड़ेगा। अब 6 घंटे काम करते हो, 8 घंटे काम करते हो, तो आपको 2400 घंटे गांव और धाड़ी में बिताने पड़ेंगे, और आपको ज्यादा के अलग बहुजन समाज पार्टी की जगानी पड़ेगी। तब जाकर 2023 के अंदर हम बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री दिल्ली में बनाएंगे साथियों। और ये ठान लिया साथियों हमने कि इस बार आर्या पास। पहले भी हमने कहा था शॉर्ट में मिला था साथियों, और 6 विधायक हमने बनाए, 6 विधायक बनाए हमने, और कमी कहीं कई वोटों पे हमारे। और सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, कहां बनाई? नोएडा के अंदर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बना दी साथियों। दलितों के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, ये लोग आईएएस आईपीएस बने, कलेक्टर बने, डीएम बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, इनके लिए पूरी शिक्षा उत्तर प्रदेश में फ्री कर, और कहा कोई पैसा नहीं पड़ेगा, 0 फीस पर एडमिशन होगा, और गरीब का बच्चा 1 भी पैसा फीस नहीं जमा करेगा। और जो फीस जमा होगी वो आपकी बहना या मुख्यमंत्री है वो जमा करेगी, आपको जमा करने की जरूरत नहीं सर। और कहा जो हमारे भाई बहन इंटर पास करते हैं, कोई आईएएस की तैयारी करता है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, कोई मेडिकल की तैयारी करता है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, उनके पिताजी मजदूरी करते हैं, छोटा मोटा व्यापार करते हैं, लाखों रुपए कैसे लेकर आएंगे कि अपने बच्चों को कोचिंग करवा दें? तो माने भाई ने कहा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों के बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए फ्री कोचिंग की व्यवस्था कर दी है, जिसमें आपका बच्चा आएगा, एडमिशन ले लेगा, पढ़ाई फ्री होगी, और पैसा भी 500 रुपया महीना फ्री मिलेगा, कॉपी किताबें फ्री मिलेंगी, और खाना पीना रहना सब फ्री होगा साथियों। ऐसी सारी व्यवस्थाएं अगर हुई तो उत्तर प्रदेश के अंदर हुई साथियों, गांव गांव में विकास हुआ। और उसके बाद 2012 के बाद आज तक उत्तर प्रदेश में वो विकास नहीं हुआ, और जितना विकास माननीय बहन जी ने अपने शासन काल में कर दिया सर। जब तक चुनाव ना आ जाए तब तक खून के घूंट पिए रखो, और जिस दिन चुनाव आ जाए पूरी ताकत के साथ में हाथी का बटन दबा देना, राम का बदला पूरा हो जाएगा सर। और जिस दिन हाथी का मुख्यमंत्री पहुंचेगा जयपुर के अंदर, बीएसपी का मुख्यमंत्री बनेगा, उसी दिन साथियों राजस्थान के अंदर दलितों के दिल बहुरेंगे साथियों। किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों के साथ में जोर चुनम जाति करते छोड़ दीजिए। किसी की इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि हमारी बहू बेटियों की तरफ आग उठा कर भी देखे साथियों। क्या मैं कहना चाहता हूं साथियों, आपके साथ अभी मैंने 3 दिन पहले की खबर देखी,
नागौर के अंदर एक दलित महिला के साथ में बलात्कार हुआ था, और ऐसे बलात्कार अन्याय कितने यहां होते हैं, कोई आवाज नहीं साथी। और जब भी उठाई जाती है आज हमारे बहुजन समाज पार्टी के शेर पहुंचते हैं सर, चाहे वो आपकी दौसा की घटना रही हो, चाहे वरुण की घटना रही हो, और चाहे हिंडौन की घटना रही हो, इस सारे घटनाओं में बहुजन समाज पार्टी ही पहुंचती सर। जब हर जगह हम पहुंचते हैं, ये हमारी टीम पहुंचती है, ये आपका दायित्व बनता है कि बहुजन समाज पार्टी को आपको ताकत देनी है, और ताकत कैसे देनी है, ताकत देनी है आने वाले 2023 में बहुजन समाज पार्टी के सारे पिताजी को उठा करके आप भरतपुर से भेज देंगे सर।